हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशबू। माय चैनल नेम इज़ फैशनेबल गर्ल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ हम अपनी स्किन को, अपने फेस को, अपनी बॉडी को कैसे गोरा बना सकते हैं एंड कैसे लाइटन एंड ब्राइटन बना सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। जो डार्क स्किन होती है उसको हम लाइटन एंड ब्राइटन कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को वीडियो समझ नहीं आएगी। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर दे प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारी स्किन का, हमारी बॉडी का, हमारा जो भी जैसा भी रंग होता है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। चाहे हमारी स्किन का लाइट रंग है, चाहे फेयर है, चाहे डार्क है, या बट अगर आप लोग तब भी चाहते हैं कि हम अपनी स्किन को गोरा बना सकें, हम अपनी बॉडी को गोरा बना सकें, लाइटन एंड ब्राइटन बना सकें अपनी स्किन एंड बॉडी को, तो उसके लिए आज मैं वीडियो बना हमारे को अपने स्किन को, अपनी फेस को, अपनी बॉडी को गोरा बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एंड लाइटन एंड ब्राइटन बनाने के लिए हमारे को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बाहर से प्रोडक्ट ला के यूज़ कर रहे हैं, अपने फेस पे अलग अलग प्रोडक्ट लगा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस उन प्रोडक्ट से आपके फेस को साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वो आपके फेस को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें बाहर से ऐसे प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ला के अपने फेस पे नहीं लगाना है, अपनी बॉडी पे नहीं लगाना है। आपको अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो फेस है, आपकी स्किन है, नेचुरली फेयर होगी, परमानेंट काम करेगी, नेचुरली काम करेगी। तो आप लोगों को इसलिए नेचुरल इंग्रेडिएंट का ही यूज़ करना है। हम लोग रोज़ वाटर से अपने फेस का क्लीनअप कर सकते हैं, अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है तो आप क्लिनजिंग के लिए रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर से हमारे फेस की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग हो जाती है। रोज़ वाटर का यूज़ करके हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रोज़ वाटर का यूज़ नहीं करना है तो रोज़ वाटर की जगह आप लोग रॉ मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। गाइस, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, आपकी स्किन पे, आपके बॉडी पे, आपके फेस पे नेचुरली काम करेंगे। इससे हमारी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे रोज़ वाटर है, चाहे रॉ मिल्क है। नेचुरल तरीके से हमारे स्किन को, हमारे फेस को फेयर बनाने का काम करेगा एंड लाइटन एंड ब्राइटन बनाने का काम करेगा। सो इस तरीके से आप अपने फेस की क्लिनजिंग कर सकते हैं, अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं रोज़ वाटर की हेल्प से एंड रॉ मिल्क की हेल्प से। अब हम बात करते हैं टमाटो एंड शुगर का स्क्रब अपने फेस पे लगा सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आधा हाफ आप लोगों को टमाटो कट करना है और हाफ टमाटो कट करने के बाद उस पर शुगर डाल लेनी है और उससे अपने फेस का स्क्रब करना है। तो गाइस, उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर बनती है एंड लाइटन एंड ब्राइटन बनती है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड, हम लोग एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, एलोवेरा जेल आप लोगों को सभी को पता होगा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए। सो एलोवेरा जेल का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। एलोवेरा जेल का यूज़ हम फेस पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं एंड अपने हेयर्स में भी कर सकते हैं, अपने नेल्स के लिए भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है एंड एलोवेरा जेल आप लोगों को मार्केट से भी मिल जाएगा और आप लोगों को पेड़ पे लगा हुआ एलोवेरा जेल भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को जो नेचुरल एलोवेरा जेल चाहिए, वो जो पेड़ पे लगा हुआ एलोवेरा जेल होता है वही नेचुरल होता है, तो आपको उसी का यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा जेल से भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा लाइटन एंड ब्राइटन बनती है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस मिलती है एलोवेरा जेल यूज़ करने से। एलोवेरा जेल का यूज़ हमें डेली करना चाहिए। एलोवेरा जेल से हमारी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती है एंड एलोवेरा जेल से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्थी, ग्लोइंग, ब्राइट भी दिखती है। सो गाइस, एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन पे नेचुरली काम करता है, इससे भी हमारी स्किन को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इसमें हम लोग राइस फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं एंड हम लोग लेमन का यूज़ कर सकते हैं और राइस फ्लोर और लेमन से हम एक फेस पैक तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो इन्ग्रीडियंट है ये भी नेचुरल है। राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा, लेमन यानी कि नींबू, दोनों ही हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं और नेचुरल तरीके से हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे काम करते हैं। इससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होती है और लाइटन एंड ब्राइटन दिखती है। सो गाइस, जो राइस फ्लोर होता है उसमें स्टार्च और फैट होता है जो कि हमारी स्किन को अच्छा बनाए रखता है। सो गाइस, राइस फ्लोर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं
जो कि हमारी स्किन पे से कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक्ने, पिंपल्स, ये सब चीज़ें हो जाती है, तो इन सबको दूर करती है। एंड राइस फ्लोर में विटामिन बी भी पाया जाता है। सो गाइस, जो राइस फ्लोर होता है वो हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन करके रखता है एंड हमारी स्किन को ब्लैक एंड डार्क होने से भी बचाता है। अब सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या था, लेमन। लेमन भी हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो गाइस, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को टाइट बनाए रखता है एंड लेमन में विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारी स्किन को फेयर बनाता है एंड लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। राइस फ्लोर एंड लेमन का हम पेस्ट बना सकते हैं और पेस्ट बना के अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं एंड उसे 15 एंड 20 मिनट्स तक अपने फेस पे छोड़ सकते हैं, उसके बाद अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं दही और मलाई फेस पैक की। तो हम दही और मलाई का फेस पैक किस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में हम दही ले सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में मलाई ले सकते हैं। दोनों का एक पेस्ट तैयार करके, एक पैक तैयार करके उसे भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इससे भी हमारी स्किन फेयर बनती है, लाइटन एंड ब्राइटन बनती है। अब इसके बाद फर्स्ट राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा, सेकेंड चंदन पैक। चंदन पैक आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा एंड थर्ड रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। इन तीनों का हम पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आपके फेस पे नेचुरली काम करेगा एंड हमारी स्किन को, हमारे फेस को फेयर बनाता है एंड लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी चीज़ें हमारी स्किन पे नेचुरली काम करती है। सेकेंड, इससे हमारी स्किन को, हमारे फेस को, हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थर्ड चीज़, सभी चीज़ें नेचुरली इंग्रेडिएंट से बनाई गई हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई। अपने फेस को हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। गाइस, मैंने आप लोगों को ये जितनी भी चीज़ें बताई, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट बताए, जितने भी स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताई, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, सब चीज़ों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है। चैनल पर बना के सब चीज़ों की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें फेस पैक तैयार करना है, किस तरीके से हमें स्क्रब तैयार करना है और किस तरीके से हमारे को फेस पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करने का सही तरीका क्या होता है। एंड गाइस, आप लोग को सभी को पता है कि समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ज़्यादा सन रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसे में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक होने लग जाती है। तो अपनी स्किन को डार्क एंड ब्लैक होने से हम लोग बचा सकते हैं। हम अपने फेस को कवर करके जा सकते हैं, जब भी हमें बाहर निकलना चाहिए हम पूरे फेस को कवर करके निकलना चाहिए। आप लोग किसी भी स्कार्फ से, किसी भी दुपट्टे से अपना फेस कवर कर सकते हैं, हमेशा अपना फेस कवर करके रखना चाहिए। देन आप लोग को जो भी क्लोथ्स पहनने चाहिए, जो भी कपड़े पहनने चाहिए, वो हमेशा फुल स्लीव्स के पहनने चाहिए। आप लोग हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए एंड नीचे भी आप लोग फुल जींस डाल सकते हैं या कुछ भी फुल डाल सकते हैं। तो हमेशा हमें अपना पूरी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। इस तरीके से हम अपने फेस को गोरा बना सकते हैं, फेस को अपने फेयर बना सकते हैं एंड अपनी बॉडी को भी फेयर बना सकते हैं। तो गाइस, हमें ये सारे स्टेप समर सीज़न में फॉलो करने चाहिए। समर सीज़न में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, ब्लैक होने लग जाती है, तो हम इस तरीके से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को डार्क होने से, ब्लैक होने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ बनाती रहूँगी एंड अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। आई विल सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।